अपन पढ़ रहे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक अपन ने टोटल सेवन देख चुके हैं अदानी पोर्ट्स एशियन एक्सिस बैंक और बजाज ऑटो तो भारतीय एयरटेल भारत पेट्रोलियम और सिप्ला ये सारे सात सेवन कंपनीज अपन ने देख लिए हैं अभी बढ़ते हैं एथ कंपनी की तरफ दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड तो चलो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ओके कोल इंडिया लिमिटेड सबसे पहले तो नाम से क्या पता चल रहा है वो बाकी का जाने दो नाम से क्या पता चल रहा है क्या करती होगी ये कंपनी तुमको क्या लगता है क्या करती है ये कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड क्या लगता है तुम्हें कोल से रिलेटेड गजब ओहो हो क्या टैलेंट है बच्चों का कोल से रिलेटेड हो oh, oh, oh. क्या भारी 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 बच्चे बहुत ही होशियार अरे बहुत ही <coughs> बिल्कुल सही जवाब है आपका कोल से रिलेटेड ही है तो ये माइनिंग एक्टिविटीज में बेसिकली ज्यादा है लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंपनी है ये तो चलो बात करते थोड़े फैक्ट्स की इनकॉर्पोरेट हुआ 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज क्यों खरीदते हैं लोग मैंने भी खरीदा हुआ है कोल इंडिया क्यों खरीदते हैं एक सोल पर्पज होता है वो होता है सब सबसे पहले तो सेफ होता है इन्वेस्टमेंट आपका और दूसरा पर्पज जो होता है वो होता है डिविडेंड डिविडेंड मस्त मिलता है अच्छा खासा डिविडेंड मिल जाता है गवर्नमेंट कंपनीज में जैसे अपन ने कल एक गवर्नमेंट कंपनी पढ़ी थी याद है आपको कौन सी गवर्नमेंट कंपनी पढ़ी थी कल अपन ने बताओ बताओ जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप है जल्दी बताओ कौन सी गवर्नमेंट कंपनी थी कल बिल्कुल सही जवाब बी पी सी एल इसके पहले जो पढ़ा था तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? क्वार्टर इसका है कोलकाता में और ये चेंज होते रहते हैं सी एम डी मेडिक मैनेजिंग डायरेक्टर और सी एफ ओ जो है ये चेंज होते रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इस कंपनी है बेसिकली क्वालिफिकेशंस वगैरह के हिसाब से चेंज होते रहते हैं आगे बात करते हैं <coughs> ट व्हाट इट ड क्या करती है कोल इंडिया लिमिटेड इंडिया इंडियन स्टेट कंट्रोल्ड कोल माइनिंग कंपनी माइनिंग सुना रहेगा अपना एक्टिविटी तो बेसिकली कोल माइनिंग में है ये कोल इंडिया इट इज इट इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंपनी इन द वर्ल्ड ओहो क्या बात है क्या बात है लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंपनी इन द वर्ल्ड बहुत ही बढ़िया इट कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट एट्टी फोर परसेंट ऑफ कोल्ड प्रोडक्शन इन इंडिया मतलब सिर्फ बाकी का सोलह परसेंट जो है वो कहीं और से आता है एट्टी फोर परसेंट जो इंडिया में कोल प्रोडक्शन uh, होता है वो पूरा का पूरा कोल इंडिया से दिया जाता है मुझे बताओ कोल यूज किस लिए होता है यूज क्या है कोल का अपन कोल एक्सट्रैक्ट ही क्यों करते हैं सबसे पहले तो क्या जरूरत है जियोग्राफी याद करो थोड़ा क्यू 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 लगता है कोल बिल्कुल सही जवाब है बिल्कुल सही जवाब है आपका इलेक्ट्रिसिटी सोल पर्पज है इसका मेजर पर्पज है इसका वो है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल बहुत ज्यादा जरूरी है अभी फिलहाल इंडिया में और भी रिसोर्सेस है लेकिन मेजरली अभी भी कोल से ही प्रोडक्शन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग से मिनिस्ट्री है जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है ना वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ कोल अलग से मिनिस्ट्री है जो कंट्रोल करती है इन अप्रैल 2011 थाउजेंड मतलब कोल इंडिया लिमिटेड मतलब कोल इंडिया द महारत्न स्टेटस बाय द यूनियन गवर्नमेंट आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये बेसिकली मिनी रत्नास और महारत्नाज ये स्टेटस प्रोवाइड करती है अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को पी एस यू जिसको कहा जाता है इन पी एस यूज को क्लासीफाई किया जाता है महारत्न और मिनी रत्न में रत्न मतलब बेसिकली कोई तो भी एक मूल्यवान वस्तु तो महा मतलब ज्यादा मूल्यवान मिनी मतलब छोटी कम छोटी वहां से छोटी बेसिकली तो महारत्न का दर्जा दिया गया है इस 2011 से इट इज ऑपरेटिंग 82 माइनिंग एरिया सीआईएल मैनेजेस 200 अदर एस्टेब्लिशमेंट्स लाइक वर्कशॉप्स हॉस्पिटल्स अरे वाह वाह क्या बात है इट ओन्स 26 टेक्निकल एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स मतलब ना सिर्फ आप यहां पे देख सकते कि ना सिर्फ माइनिंग एरियाज हैं ऑल ओवर इंडिया उसके साथ साथ 200 सौ अदर एस्टेब्लिशमेंट है वर्कशॉप हॉस्पिटल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया इट कमांड्स नियरली सेवेंटी फोर परसेंट ऑफ द इंडियन कोल मार्केट सेवेंटी फोर परसेंट ऑफ द इंडियन कोल मार्केट पूरा का पूरा कोल uh, इंडिया के कंट्रोल में है बहुत ही बढ़िया <clears throat> कोल प्रोडक्शन में बेसिकली 84 परसेंट हिस्सा है पूरे कोल मार्केट में कोल मार्केट में बेसिकली यहाँ पे 74 क्यों क्यू है यहाँ पे 84 क्यों क्यू है सिंपल सी बात है सिंपल सी बात है यहाँ पे 74 फोर वहाँ पे 84 इसीलिए है क्योंकि कोल प्रोडक्शन जो है इंडिया में वो 84% परसेंट कोल इंडिया करती है लेकिन इंडियन कोल मार्केट में बाहर से इंपोर्ट किया हुआ कोल भी आता है इसलिए पूरे इंडियन कोल मार्केट में 74% परसेंट हिस्सा कोल इंडिया का है आगे बढ़ते हैं कंपनी कम, की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ कोल इंडस्ट्री इन इंडिया in the early 70s was a fall out of uh, two related events in the first instance it was oil price shock which led the country to take up close scrutiny of its energy operations kya hua uh, बहुत ज्यादा बेसिकली ऑयल के प्राइसेस में बढ़ोतरी हो गई थोड़ा जब uh, आजादी के बाद क्या सीन बोल रहा हूँ मैं आपको तो इसीलिए मैं नस... कोल इंडस्ट्री को एक बार फिर से रिव्यू किया गया और एनर्जी ऑप्शंस को बेसिकली एक बार फिर से रिव्यू किया गया और वापस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि कोल को ज्यादा देना शुरू किया तो एक फ्यूल पॉलिसी कमिटी बिठाई गई थी सेटअप की गई थी फॉर दिस पर आइडेंटिफाइड कोल एस द प्राइमरी सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन्होंने क्योंकि ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे शॉक एक सडन शॉक मिला था इसीलिए प्राइमरी सोर्स जो है कोल को बना दिया गया था सेकेंडली मच नीडेड इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ ऑफ दिस टेक सेक्टर सेक्टर नॉट फोर्थ कमिंग विद कोल माइनिंग लार्जली इन प्राइवेट तो बेसिकली इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा था और इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत भी थी क्योंकि कोल का डिमांड बढ़ रहा था और इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा था तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वापस एक बार सोचा स्कूटी नहीं किया अच्छे से और

और मिशन यही है कि इको फ्रेंडली मैनर में कोल का प्रोडक्शन किया जाए कोल का जैसे प्रोडक्शन किया जाए इसके साथ साथ अगर बात करें क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड तो इनके बहुत सारे सब्सिडरीज भी है मतलब जिनमें कोल इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स हैं तो यहाँ पे सबके लास्ट में कोल या कोप ऐसे ही कुछ नाम है बेसिकली तो ईस्टर्न भारत सेंट्रल वेस्टर्न सदन नदन और नॉर्दन uh, और महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड तो बेसिकली ये छोटे-छोटे कंपनीज है जिनको कंट्रोल किया जा रहा है मेन हेड से कोल इंडिया लिमिटेड आगे बढ़ते हैं इट्स 8थ होली ओन सब्सिडरी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड प्रोवाइड्स एक्सप्लोरेशन प्लानिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट टू ऑल सेवन प्रोडक्शन सब्सिडरीज तो ये बात याद रखना कि इन सब में सेंट्रल uh, नहीं इसमें नाम ही नहीं है बेसिकली यहाँ पे जो सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट है इसका नाम ही है नाम में ही है देखो प्लानिंग करता है और डिजाइनिंग करता है बेसिकली टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो यही चीज है कि एट जो होली ओन सब्सिडरी है ये आ, सारे एरियाज़ पे कितना माइनिंग करना है क्योंकि तुमने अगर कोई मूवी देखा रहेगा ना अभी लेटेस्ट तो कोई मूवी है नहीं कोल माइनिंग से रिलेटेड लेकिन पुराने जमाने के बहुत सारे मूवीज है अमिताभ बच्चन वगैरह के अगर तुम देखो तो तो कोल माइनिंग में क्या है बेसिकली शशि कपूर भी था शायद इसमें याद नहीं आ रहा मेरे को अच्छे से मूवी तो उसमें बेसिकली सीन ऐसा था कि कोल माइंस जो होते हैं ना उसमें बहुत जल्दी पानी भर जाता है बारिश के दिनों में बहुत जल्दी पानी भर जाता है और जो लोग अंदर फंस जाते हैं वो हमेशा के लिए अंदर दब जाते हैं तो बेसिकली जान का बहुत ज्यादा खतरा था तो यही अमिताभ बच्चन ने शायद मेरे ख्याल से उस फिल्म में प्रोटेस्ट किया था मैंने देखी नहीं है वो मूवी इसके अलावा तुमने वो बकवास मूवी तो जरूर देखी होगी अः ये वाली जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता ये सलमान भाई की बकवास मूवी देखी होगी सबने ऑलमोस्ट सबने ही देखी होगी हाँ देख सबसे पहले नाम आया हाँ देखिए इसमें भी वो माइनिंग का कुछ तो सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक लगीच कैफ लगीच आती प्यार व्यार करती लगीच नहीं ये सीन है कि नहीं है मैं सही बोल रहा हूँ ना नहीं देखी अच्छा अच्छा अब क्या तुम अब तो यही बनो बोलोगे लगीच मैंने तारीफ क्या की <laughs> नहीं देखी <clears throat> और के तो बेसिकली गोल्ड माइन से रिलेटेड है नहीं तो मैं उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे देता दे था <clears throat> तो जॉइंट वेंचर भी किया हुआ है आपने मेरे ख्याल से अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है जॉइंट वेंचर मतलब क्या जॉइंट वेंचर पढ़ा है अकाउंट्स में है सिलेबस में जॉइंट वेंचर यस और नो हेलो हेलो यस और नो अच्छा पढ़ा है ओके okay, गुड तो सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड ने जॉइंट वेंचर्स किए हैं बेसिकली uh, किस किस किसके साथ इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और सी आई एल एन टी पी सी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड ये फिफ्टी फिफ्टी वेंचर्स हैं इनके जहाँ पे बेसिकली एक्विजिशन ऑफ कोकिंग कोल प्रॉपर्टीज आउटसाइड इंडिया इंडिया से बाहर एक्सप्लोरेशन के लिए इन्होंने जॉइंट वेंचर्स किए हुए हैं जिसमें टू सेवेंथ हिस्सा सी आई एल का है और इसमें फिफ्टी फिफ्टी हिस्सा सी आई एल का है कोल इंडिया का अभी तक जो भी ने कंपनीज पढ़े उसमें ये देखो अभी तक का हाईएस्ट रैंकिंग है अभी तक का जो भी अपन ने रैंकिंग्स पढ़े ना तो 583 इज अ वेरी गुड रैंक सीआईएल हैज बीन अवार्डेड अवार्डेड द द सीएसआर विनर फॉर रूरल डेवलपमेंट जैसे मैंने बताया आपको ना सिर्फ माइनिंग एरियाज हैं पूरे इंडिया में 82 माइनिंग एरियाज जो है ना सिर्फ माइनिंग में है ये बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है वर्कशॉप हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट तो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स तो सोसाइटी की तरफ भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इसीलिए इनको सीएसआर विनर अवार्ड मिला है और उसके बाद यहाँ पे और एक न्यूज़ इंफॉर्मेशन है अपने पास श्री अनिल कुमार झा चेयरमैन जो है मेरे यहाँ पे आपने उन्हीं का नाम पढ़ा था अनिल कुमार झा तो ये जो चेयरमैन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर तो सीएमडी कहा जाता है उनको <coughs> इनको क्या हुआ सीआईएल एक्सचेंज एमओयू विद लियोन जो भी है ये नाम मेरे ख्याल से ये रशियन नाम है डायरेक्टर जनरल द फार फार ईस्ट एजेंसी फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट ईस्टर्न माइनिंग कंपनी रशियन बिल्कुल सही जवाब रशियन फेडरेशन के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया तो इतने बड़े बड़े नाम नहीं आएंगे एग्जाम में आपको सिर्फ यही आएगा कि कोल इंडिया ने किसके साथ बेसिकली uh, टाइप किया या एमओ एक्सचेंज किया है तो वो है रशिया 2019 की बात है रशिया के साथ एमओयूज एक्सचेंज किए हुए हैं बहुत बढ़िया चलो बात करते हैं शेयर प्राइस की इतना सब कुछ अपन ने देखा वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर 84 कोल परसेंट प्रोडक्शन इंडिया इतने सारे सारे भारी भारी अपन ने सब फैक्ट्स पढ़े सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है चलो एक काम करते हैं मैं तुमको प्राइस रेंज बताता हूँ ठीक है चार ऑप्शन देता हूं मैं तुम मुझे बताओ कि कौन से प्राइस रेंज में आता है अब डाउन वाला ट्रेंड छोड़ो प्राइस रेंज कौन सा है ऑप्शन ए एक हजार से ज्यादा एक हजार प्लस ऑप्शन बी 500 सौ प्लस मतलब पांच सौ से एक हजार के बीच में ऑप्शन सी टू हंड्रेड प्लस ऑप्शन डी हंड्रेड प्लस हंड्रेड से टू हंड्रेड के बीच में व्हाट डू यू थिंक बताओ जल्दी 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 बिना सोचे अच्छा क्या बात है बच्चे बोल रहे हैं हंड्रेड और टू हंड्रेड इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन है मतलब किसी को भी हजार और पांच सौ तो लग ही नहीं रहा है कि नहीं इतना कॉन्फिडेंस है हमको सर जाएगा <laughs> <जाये गाए> नहीं उतना ऊपर गवर्नमेंट का कंपनी जाएगा ही नहीं अच्छा अच्छा चलो देखते हैं <clears throat> देखते हैं देखते है. मैंने जैसे बताया आपको जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंडियन गवर्नमेंट देता हूँ मैक्सिमम का चार्ट ओ माय गॉड ये है पहले रेंज बाउंड में था और अभी डाउन ट्रेंड में है मैक्सिम लगाया है, मैंने दो मेरे ख्याल से उससे पहले से 2012 से पहले से है तो ये बेसिकली यहाँ पे रेंज बाउंड में था यहाँ पे फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू हो गया इसका ओके और अभी भी गिरी रहा है क्या बात है अभी बात करते हैं डिविडेंड्स की डिविडेंड्स की बात करते हैं कि इसने कितना डिविडेंड दिया है तो यहाँ पे मैं देखते हैं अपन कोल इंडिया कोल इंडिया डिविडेंड हिस्ट्री अठारह रुपए हो भाई साहब सत्ताईस रुपए हो हो एक सेकेंड एक सेकेंड 2016 में प्राइस कितना था 2016 में प्राइस था करीब करीब दो सौ तीन सौ रुपए प्राइस था 2016 में ओके okay. अभी कितना है यहाँ पे डिविडेंड कितना मिला सत्ताईस रुपए एक शेयर पे मतलब ऑलमोस्ट टेन परसेंट डिविडेंड मिला हुआ है भाई ऑलमोस्ट टेन परसेंट डिविडेंड दिया है कंपनी ने क्या बात है बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आप डिविडेंड ए एल्ड भी देख सकते हैं यहाँ पे थर्टीन पॉइंटी सिक्स परसेंट मतलब यार डिविडेंड में तो अच्छा दे रही है शेयर प्राइस परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं लेकिन डिविडेंड अच्छा दे रही है मैंने बताया ना गवर्नमेंट कंपनी डिविडेंड के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं लोग डिविडेंड चाहिए होता है एफडी <clears throat> से तो ज्यादा ही है ना रे एफडी से कम थोड़ी है एफडी से ज्यादा ही है बहुत बढ़िया डिविडेंड इज एक्सट्रीमली गुड एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड चलो आगे बढ़ते हैं <clears throat> आज के आज के फंड्स में एलोकेट कर दूंगा लेक्चर के एंड में तो स्टे क्यूरियस आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी अच्छा नाम से बताओ अगर तुमने सुना भी नहीं रहेगा तो मुझे बताओ कहाँ पे हो सकता है इनके कहाँ पे है कहाँ पे है बेसिकली इनके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब इनके प्रोडक्ट्स ज्यादातर है साउथ इंडिया में रेड्डी बेसिकली ये एक, एक साउथ इंडियन सरनेम है मैंने इसलिए भी समझा रहा हूं आपको क्योंकि यहाँ पे हेडक्वार्टर्स अगर आपको पूछे जाए तो आपको याद रहे तेलंगाना हैदराबाद में बेसिकली इनका हेड क्वार्टर है ना मुंबई में ना बेसिकली तुम्हारा दिल्ली में कहाँ पे हेड क्वार्टर हैदराबाद 1984 में एस्टेब्लिश हुई है कंपनी और अभी जो चेयरमैन है मैंने बताया फैमिली वाले ही रहते हैं अर्जुन रेड्डी नहीं रे अर्जुन रेड्डी नहीं अरे <laughs> भाई भगवान बचाओ मेरे को <laughs> उठा ले रे उठा ले मेरे को नहीं इसको <laughs> इसको उठा <laughs> को तो लेक्चर ले दे रुक जा सच में मतलब अर्जुन रेड्डी सीरियसली ऐसा कैसे उठा ले <laughs> अरे भाई साहब चेयरमैन चेयरमैन जो है वो है कलम सतीश रेड्डी पता नहीं मेरे को क्या कैसे प्रोनाउंस करते हैं शायद कलम ही है तो चलो आगे बढ़ते हैं सीईओ जो है इजरायली जो है मिस्टर इजरायली और चक्रवर्ती जी सीएफओ है। हैं हैं आगे बढ़ते बात करते हैं थोड़ी सी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में उसके बाद हिस्ट्री बढ़ते हैं और उसके बाद आते हैं शेयर प्राइस पे अरे अरे ध्यान दो ध्यान दो डॉक्टर रेड्डीज लैब्स बेसिकली डॉक्टर रेड्डीज लैब्स इसको शॉर्ट में कहा जाता है इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी मतलब कितनी प्राउड फीलिंग वाली बात है ये कि इंडियन कंपनी मल्टीनेशनल है बेसिकली बहुत सारे नेशंस में प्रेजेंस है इसका डॉक्टर रेड्डी मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स अ वाइड रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन इंडिया एंड ओवरसीज एक सौ नब्बे मेडिकेशन सिक्सटी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट्स वगैरह वगैरह किट्स ये इनका बेसिकली प्रोडक्ट्स है आगे बात करें तो इट इज

आफ्टर रैन वैक्सी एंड ग्लैक्सो रैन वैक्सी तो टॉप पे है उसके बाद ग्लैक्सो आता है और उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट डॉक्टर products है chemical डायग्नोस्टिक बायोटेक्नोलॉजी वगैरह 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 थोड़ी हिस्ट्री की बात करते कि दिमाग में बेसिकली ये जो अपन कंपनीज पढ़ते हैं, ये किसी ना किसी ने कभी कभी ना कभी, ना, कभी रिस्क लेके एनालाइज करके रिस्क को एंटरप्रेनरशिप स्टार्ट किया था

मतलब बेसिकली इन्होंने और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया पहले सिर्फ सप्लाई करते थे यहाँ वहाँ से लेके लेकिन इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डाले खुद के 1987 से क्या बात है फिलोसॉफी एक्सपेंसिव मेडिसिन ब्रिंगिंग एक्सपेंसिव मेडिसिन विद इन रीच मेरे को नहीं पता ये कितने में मिलती है चलो देखते हैं कॉस्ट कितनी है प्राइस भी अच्छा प्राइस है अपने पास क्या बात है hmm. प्राइस 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 साइड इफेक्ट प्राइस बेटा प्राइस दिखा दे सब देख लिया बाकी का हाँ अरे वाह बहुत ही सस्ते में क्या बात है मतलब इन्होंने सच में अचीव किया है जो बोला है वो ग्यारह रुपए मात्र ग्यारह रुपए छप्पन पैसे में 10 टैबलेट्स मिलती है बहुत ही बढ़िया मतलब सच्ची बात है ये ब्रिंगिंग एक्सपेंसिव मेडिसिन विद इन रीच Addressing unmet patient needs, helping patients manage disease better, मतलब बेसिकली पेशेंट से रिलेटेड सब कुछ है लेकिन याद रखना जैसे सिप्ला का स्लोगन था वैसे यहाँ पे कोई स्लोगन नहीं है दिया हुआ तो आपको नहीं लेना नहीं कोई याद रखना यहाँ पे स्लोगन पोर्टफोलियो क्या क्या है जेनेरिक मेडिसिन इनके बहुत सारे क्रीम्स वगैरह हैं ये सब तुमने नाम नहीं सुने होंगे और मैं भी प्रोनाउंस नहीं करना चाहता ओवर द काउंटर ऑन पेन मैनेजमेंट डर्मेटोलॉजी गायनोकोलॉजी ओके बहुत सारे मेडिसिन एक काम करते हैं चलो सर्च करते हैं डॉक्टर रेडीज फेमस प्रोडक्ट्स क्या बात है प्रोडक्ट्स ओमिट्स कैप्सूल नाइस हाँ ये मैंने खाई हुई है नाइस 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 ये शायद तुमने भी कभी सुनी होगी एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये कभी कहीं सूजन वजन आ जाती है तो नाइस टैबलेट देते हैं और ये नहीं पता स्टैमलो नहीं पता पता नहीं बाकी का ओमेज देख ओमेज दिखाई है मेरे ख्याल से तुम्हारी शायद सना बेसिकली मेडिसिन की दुकान है ना एक एक गोली आते जाते ट्राई करती रहती क्या तू ऐसे आते जाते एक गोली दो एक गोली दो एक गोली दो ऐसे <laughs> ट्राई तो नहीं कर रही ना कुछ ऐसे कीड़े तो नहीं कर रही <laughs> सब ट्राई किया हुआ है डॉक्टर रेड्डी वाज लिस्टेड अमंग 1200 ऑफ इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स क्या बात है uh, 1200 में से आता है ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी डॉक्टर रेड्डी इनिशिएटेड तो जैसे मैंने आपको शायद कल बताया नहीं ये जो यूएस में अगर आपको कोई ड्रग्स या मेडिसिन सेल करने हैं एफडीए का अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है और बेसिकली दुनिया की अगर बात करें ना, तो टॉप सबसे बड़ी एजेंसीज में आता है जिनके रिस्ट्रिक्शन नॉर्म्स बहुत ज्यादा है अगर इनके रिस्ट्रिक्शन नॉर्म्स आप सेटिस्फाई करते हो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट सच में अच्छा है डॉक्टर रेड्डी को बेसिकली कंटेमिनेशन देख मतलब कुछ मेडिसिन में कंटेमिनेशन वगैरह देखने को मिला था तो इसलिए इन्होंने क्या किया था 2019 की बात है एक अक्टूबर 2019 की बात है इन्होंने नेशन वाइड रिकॉल किया था सारे ड्रग्स केम, से अपनी कोई एक दवाई कौन सी दवाई थी ये यह? यहाँ पे शायद नाम नहीं लिखा है हाँ ये नाइट्रोसोडीमेथलिन एनडीएमए पता नहीं कौन सा ड्रग है इसको रिकॉल किया था कंटेमिनेशन मिला है इस ड्रग में डॉक्टर ये भी खाई रहेंगी है ना सना एनडीएमए देख देख याद कर याद कर देख देख शायद याद आ जाए ये भी खाई होगी पक्का डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट टू एक्वायर पोर्टफोलियो ऑफ 42 अप्रूव्ड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस इन द यूएस मतलब इनका यूएस में एक्विजिशंस अच्छे से चालू है 5645 मिलियन डॉलर्स का एक्विजिशन किया इन्होंने बहुत ही बढ़िया मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं डॉक्टर रेड्डी बेसिकली एक बहुत ही ट्रस्टेड शेयर मार्केट में भी एक बहुत ही ट्रस्टेड शेयर है अच्छा चलो एक काम करते हैं इसके शेयर का कॉल लेते हैं हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड या वन थाउजेंड से ज्यादा इनसे ज्यादा बेसिकली व्हाट डू यू थिंक वॉट डू यू थिंक बिल्कुल सही जवाब है वन थाउजेंड प्लस और ये डेट याद रखना अक्टूबर 2019 हमेशा मैंने बताया ना बिजनेस न्यूज जो आती है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा उसका इम्पैक्ट है लगी शेयर मार्केट में देखने को मिलता है तो ये डेट याद रखना अपन इस दिन का शेयर प्राइस इसका चेक करेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं <coughs> बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी की डॉक्टर रेड्डी मेरा भी बहुत अच्छा शेयर पर फेवरेट शेयर वन ऑफ द फेवरेट शेयर है ओहो आज ही बड़ा है क्या बात है बात करते हैं पहले तो सबसे पहले तो एक साल पहले की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट क्या थी रे अपनी अपनी डेट क्या थी रे अक्टूबर अक्टूबर 2019 ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देखो 2800 से 2800 से 20 सितंबर को 2800 के करीब करीब था शेयर अपना सितंबर 2019 और जैसे ही न्यूज आई वैसे ही ये देखो एक अक्टूबर को कहाँ पहुँच गया एक अक्टूबर को बेसिकली गिर गया 200 पॉइंट्स 200 200 पॉइंट्स अपना शेयर गिर रहा है तो अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे फाइव इयर्स का डेटा लेते हैं तो यहाँ पे और अच्छे से देखने को मिलेगा गिरावट है मतलब शेयर में तो जैसे ही मैं बता रहा था बेसिकली नेगेटिव न्यूज का बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ जाता है और अभी लगाते हैं मैक्सिमम का चार्ट तो बेसिकली ये आ, सारे ट्रेंड्स दिखा रहे हैं सारे ट्रेंड्स मतलब 2002 में कितने में था ये 2002 में देखते चेक करते उसके बाद अप ट्रेंड में है कंटिन्यूस छह साल तक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है उसके बाद डाउन ट्रेंड उसके बाद अगेन अभी अप ट्रेंड और इस लेवल को भी इसने ब्रेक कर दिया है पुराने वाले हाई को भी ब्रेक कर दिया है लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया हुआ है यहाँ पे तो शेयर बहुत ही स्पीड में है बहुत ही तेजी दिखा रहा है स्पीड में है शेयर बेसिकली चलो अभी बात करते दो हजार दो में अगर तुमने खरीदा रहता तो क्या होता दो हजार दो में अगर ये तुमने खरीदा रहता तो बेसिकली ये है फाइव हंड्रेड रुपीज पे फाइव हंड्रेड से चार हजार तक की जर्नी अमेजिंग वेरी गुड उससे पहले खरीदा रहता तो और पहले भी तो 1999 में अगर मेरे पेरेंट्स ने खरीदा रहता तो 61 वन पे था रे 61 वन 61 सिक्सटी से चार हजार हो 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 कैलकुलेट करना ही पड़ेगा अब तो 61 वन पे सपोज करो खरीदे रहते दस हजार शेयर तो कितने हो गए रे कितने हो गए 1999 में 61 10, निकालो कैलसी सिर्फ मैथ्स के लिए यूज नहीं होता इकोनॉमिक्स में भी लगता है निकालो जल्दी <coughs> कितने आ रहे तो यहाँ पे बेसिकली आता है आपका सिक्स पॉइंट वन लैक्स इतना इन्वेस्टमेंट अगर आपने उस टाइम किया रहता 1999 तो अभी एक शेयर जो है आपका दस हजार आपके पास है दस हजार इंटू करो

टेन थाउजेंड इंटू फोर थाउजेंड कितना आता था है ये चार करोड़ रुपए, चार करोड़ रुपए क्या बात है छह लाख ,00 से चार करोड़ मतलब मैं तो अभी रिटायर होना चाहिए था अरे अगर ऐसे मम्मी पापा ने इन्वेस्टमेंट करके रखा रहता तो रिटायर हो जाता यार मैं तो मस्त कोई कई ट्रिप पे घूम के आ जाता वर्ल्ड टूर पे निकल लेता मैं तो ले लेता यार डायरेक्ट क्या रे लोचे <laughs> तुम अपने बच्चों का अच्छे से प्लानिंग करना तुम्हारे बच्चे तुमको बड़े हो कि ये ना बोले कि क्या मम्मी पापा क्या तुमको इतना भारी लेक्चर पढ़ा है ईश्वर सर ने फिर भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो ऐसा ना हो अपने बच्चों के लिए अपने लिए अच्छे से प्लानिंग करो अभी से यू कैन डेफिनेटली इंक्लूड दिस शेयर इन योर पोर्टफोलियो फाइव डेज की भी अगर बात करें तो शेयर है लेकिन वापस से यहाँ पे ऊपर चढ़ रहा है तो, तो डाउन ट्रेंड में था लेकिन अभी वापस राइजिंग पे है अगर अभी अब बाय किया तो हो सकता है ये शेयर एक अकेला शेयर पांच सौ रुपए तो भी आपको एटलीस्ट दे जाए दस परसेंट रिटर्न तो एटलीस्ट दे जाए आपको यू कैन डेफिनेटली एड आगे बढ़ते हैं बात करते हैं गेल इंडिया लिमिटेड तो चलो बात करते हैं गेल इंडिया लिमिटेड की अगेन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है इसका शेयर प्राइस मैंने भी एनालाइज नहीं किया तो मैं मेरे लिए भी एक ये नई कंपनी होने वाली है तुम्हारे साथ साथ मैं भी इसका शेयर प्राइस एनालाइज करूंगा इनकॉर्पोरेशन ईयर है 1984 मेरे ख्याल से ये सेम इनकॉर्पोरेशन इन दोनों कंपनीज का है डॉक्टर रेड्डी और गेल क्या बात है दोनों एक ही ईयर में इनकॉर्पोरेट हुए हैं ओनरशिप जैसे मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इन इसके तो चेयरमैन एमडी सीईओ सब कुछ आतु, आशुतोष कर्नाटक क्या बात है कर्नाटक बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया मैंने अश्वतोष कर्नाटक मतलब ना सिर्फ चेयरमैन की फीस लेते हैं ये ये मैनेजिंग डायरेक्टर की भी लेते हैं और सीईओ की भी फीस लेते हैं सब काम यही कर रहे हैं तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक्स्ट्रा फीस ले ओवर टाइम करे थोड़ा फाइनेंस डायरेक्टर है तिवारी जी मिस्टर ए के तिवारी तो चलो बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है सबसे पहले कंपनी का फुल फॉर्म गेल का फुल फॉर्म क्या है <coughs> फुल फॉर्म बेसिकली अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं पे भी फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ है चलो अपन धीरे धीरे देखते हैं कि कहाँ पे फुल फॉर्म अपने को देखने को मिलता है हो सकता है इसका फुल फॉर्म मेरे ख्याल से तो होना चाहिए हाँ ये रहा ये क्या गैस इंडिया लिमिटेड बहुत ही प्यारा छोटा सा फुल फॉर्म है जी ए फॉर गैस जी और आई एल मतलब इंडिया लिमिटेड तो बेसिकली अपने को यहाँ पे देखने को मिला गैस इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है ओके इज द लार्जेस्ट स्टेट ओन नैचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन इंडिया नेचुरल गैस नेचुरल गैस नेचुरल गैस में क्या क्या आता नेचुरल गैस में वो सारी चीजें आती जैसे एलपीजी है तुम्हारा सीएनजी है ये बेसिक एग्जांपल से जो नेचुरल गैस में आते हैं इन पे भी गाड़ियां चलती हैं पेट्रोल और डीजल नहीं सिर्फ एलपीजी और सीएनजी पे भी गाड़ियां चलती हैं तो चलो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आगे इन लार्जेस्ट स्टेट ओन नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन इंडिया याद रखना इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है नेचुरल गैस में इट इज इंडियाज प्रिंसिपल गैस ट्रांसमिशन एंड मार्केटिंग कंपनी करता है नेचुरल गैस लिक्विड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब एल पी जी ट्रांसमिशन करते हैं पेट्रोकेमिकल्स में है ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में है एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन भी करते हैं और ना सिर्फ इतना इलेक्ट्रिसिटी uh, जनरेशन में भी ये है तो क्या नहीं करती ये कंपनी क्या बात है गेल वॉज

हाइएस्ट मार्केट शेयर था उसके पास 84 परसेंट प्रोडक्शन में और सेवेंटी कोल्ड मार्केट में यहाँ गेल के पास क्या बात है इंडिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन नेटवर्क गेल के पास है पाइपलाइन नेटवर्क ना सिर्फ आपको सिलेंडर से गैस प्रोवाइड करते हैं ये इनके पाइपलाइन नेटवर्क भी बहुत बढ़िया है क्रॉस कंट्री नेटवर्क है 2300 किलोमीटर क्या क्या बात है जिसका नाम है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन ओके बहुत बढ़िया टुडे द कंपनी ओन्स एंड सेपरेट्स मोर देन 11,000 किलोमीटर लॉन्ग क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन इन इंडिया हैविंग प्रेजेंस इन 22 स्टेट्स हो 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 11,000 किलोमीटर क्या बात है बहुत बढ़िया 22 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है इट है इट ऑल्सो ओन्स एंड ऑपरेट मोर दैन टू थाउजेंड किलोमीटर लॉन्ग एलपीजी इन दंट्री क्या बात है अरे मतलब सिर्फ मेरे ख्याल से प्राइट टू ऑपरेट वन ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सक्लूसिव एल पीजीलाइन इन दंट्री फ्रॉम जामनगर इन गुजरात टू लोनी इन उत्तर प्रदेश वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सक्लूसिव एल पी जी पाइपलाइन इंडिया में है मतलब इंडियन इंडियन कंपनीज कितना प्राउड कर रही है इंडिया को ये सब अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्या बात है यार क्या बात है बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी अगस्त 1984 में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप है फॉर्मली गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये फुल फॉर्म था जी ए आई एल बेसिकली ये फुल फॉर्म था लेकिन फिर इन्होंने शॉर्ट करके गेल कर दिया है इसको और इसका बेसिकली इन्होंने नाम रखा है गैस इंडिया लिमिटेड पहले गैस अथॉरिटी था अभी गैस अथॉरिटी निकाल दिया सिर्फ गैस इंडिया लिमिटेड है विजन और मिशन की बात करें टू बी द लीडिंग कंपनी नेचुरल गैस हाँ बिल्कुल सही टू एक्सेलरेट एंड ऑप्टिमाइज द इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ नेचुरल गैस तो दोनों विजन और मिशन नेचुरल गैस से रिलेटेड है तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए सपोज करो आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि विच नेचुरल गैस आपके पास चार ऑप्शन दिए जाते हैं ए कोल इंडिया बी डॉक्टर रेड्डी सी बेसिकली दिया जाएगा सपोज करो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और डी जो है तुम्हारा गेल तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका नेचुरल गैस से रिलेटेड गेल बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही तो याद रखना नेचुरल गैस पे क्वेश्चन आया तो ये है पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पोर्टफोलियो क्या क्या है सब्सिडीज है इनके बेसिकली ब्रह्मपुत्र में भी इनके सब्सिडीज है गेल ग्लोबल सिंगापुर ओ हो 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 सिंगापुर में भी कंपनी है क्या बात है और जॉइंट वेंचर भी किया हुआ इतनी सारी कंपनीज के साथ जिनका आपको नाम बिल्कुल भी याद नहीं रखना है अवंतिका गैस भाग्यनगर गैस अरे भाई भाई इंद्रप्रस्थ गैस महानगर गैस मतलब बेसिकली MNGL, इसका तो पंप आपने देखा ही देखा होगा MNGL, MNGL, कभी एक बार क्या हुआ मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ सी एन जी से मेरे को एक किस्सा याद आया कि मेरे एक दोस्त को बेसिकली बहुत ज्यादा कीड़े हैं आम में सारे दोस्तों को रहते हैं अपने सारे दोस्त बेसिकली कमीने रहते हैं मतलब वो इक्वेशन बिल्कुल सही है दोस्त इज इक्वल टू कमीने बिल्कुल सही इक्वेशन बैठता है तो मेरे दोस्त ने क्या किया ऐसे हम बस स्टॉप पे खड़े थे ठीक है हमारे क्लासेस खत्म हुए सी ए फाउंडेशन के क्लासेस खत्म हुए और हम बस से ट्रेवल करते थे तो हम ऐसे मैं और मेरे पांच जो दोस्त थे वो सारे ऐसे बस स्टॉप पे खड़े थे तो ये जो नमूना था इसको थी आंग में बहुत ही खुजली बहुत खुजली आंग में तो क्या हुआ बेसिकली इसको पता करना था कि सी का रेट कितना चल रहा है क्योंकि पेट्रोल का रेट, पेट्रोल का रेट रेट पेट्रोल बेसिकली डिस्कशन कुछ तो क्लास में हुआ था कि पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है वगैरह वगैरह तो इसको सी का रेट पता करना था तो इसने क्या किया पता है इसने रिक्शा वाले को रुकवाया क्योंकि रिक्शा जो है बेसिकली बहुत सारे सी पे चलते हैं तो एक रिक्शा वाले को हाथ किया ऐसे रुको 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 फिर उसको रिक्शा वाले को लगा भैया कहीं तो जाना रहेगा इसे है कि नहीं तो रिक्शा वाला रुका हम सब देख रहे भाई इसके पास इतने पैसे कब आए रिक्शा में जाने जितने हम ऐसे देख रहे उसके पास ये कब हुआ भैया <laughs> क्रेडिट कार्ड वगैरह दिया क्या घर वालों ने तेको इतने पैसे कब आए <laughs> तो फिर हम सब गए बेसिकली अब बेसिकली एक जन रिक्शा रुकवाई तो सब बेसिकली बाकी बच्चे क्यों जाएंगे सबने सोचा तो तो चलो रिक्शा से ही चलते तो इस भाई साहब ने क्या किया इस भाई साहब ने उसको पूछा आ, कि भैया ये सी का रेट कितना है और ऐसा भागा वो वहां से <laughs> ऐसा भागा हम सब यहीं पे खड़े हम मैं एक दूसरे की तरफ देखने लग गए अरे भागे या नहीं भागे फिर वो दो मिनट बाहर रिक्शा साइड में लगाया उसने दो मिनट रुका वो और उसको ढूंढने लगा कहा गया कहा गया रिक्शा वाला ये भाई साहब फुल गायब सी <laughs> का रेट कितना है अरे मतलब सीरियसली मतलब रिक्शा वाले से पूछोगे क्या कल तो तुम मतलब अरे ऐसा तो मतलब कल बस आती PM, PMT की बस जो आती है सपोज करो बस बस आ रही है यहाँ पे वो भी आजकल सीएनजी पे चलती है अरे रुको रुको दादा रुको रुको ये सीएनजी का रेट कितना है बस रुका के सीएनजी रेट पूछ रहे हो मतलब भैया गजब टैलेंट है में गजब ऐसा अगर कुछ होने लगा तो सोच लेना समझ लेना मैं गए गुजरे है तुम्हारे दोस्त तो यही बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया में बहुत बड़ा प्रेजेंस है गैस का आजकल बहुत सारे लोग सी एन जी प्रेफर कर रहे हैं नई गाड़ी कोई भी लेता है तो सी एन जी ज्यादा प्रेफर करता है क्योंकि सी एन जी बेसिकली बहुत कॉस्ट कम है एज कम्पेयर टू बहुत कम नहीं लेकिन कॉस्ट कम है एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल और दूसरी बात ये है कि गाड़ी जो है आपकी ये ज्यादा एवरेज देती है मतलब तो नॉर्मल अगर जैसे हमारे पास स्विफ्ट है वो देती है तो थर्टीन किलोमीटर्स और एक लीटर पेट्रोल पे चलती है अगर सी फिट करवाते हैं तो यही एवरेज बढ़ जाएगा ट्वेंटी किलोमीटर्स तक वन के जी सी में <coughs> तो मतलब बेसिकली वही बता रहा हूँ मैं कि ज्यादातर आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं कि या तो डीजल ले या तो सी एन जी बैठा बहुत बड़ी चीज है मैंने बताया ना बहुत सारी कंपनी इसके साथ टाइप है गेल बहुत बड़ी कंपनी तो देखो जॉइंट वेंचर्स देखो कितने जॉइंट वेंचर्स किए हुए कंपनी पूरे इंडिया में प्रेजेंस है इज नॉट अ जोक यार इट्स नॉट अ जो ट्वेंटी में अगर आपकी पाइपलाइन है मतलब आपने सच में कुछ अचीव किया है गवर्नमेंट कंपनी रहते हुए भी मतलब लोग गवर्नमेंट कंपनी को ऐसे नीचे देखते हैं दर्जा लेकिन देखो गवर्नमेंट कंपनी है लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क एलपीजी का लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क इन द वर्ल्ड यार wow. <clears throat> कभी तुमने ऐसा सोचा है कि फॉरिन uh, कंट्रीज में बेसिकली गैस uh, की जगह क्या यूज करते हैं मतलब वो मतलब अपने यहाँ पे जैसे गैस एलपीजी सिलेंडर पाइप से वगैरह गैस आता है वहां पे क्या सीन होगा आपको आपको कोई आइडिया है

बेसिकली हॉस्टल आइट्स बैचलर्स उनमें भी ज़्यादा कॉमन है तो वही अपने को मेजोरिटी देखने को मिल रहा है 1186 रैंक है 290 मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है तो इसके बेसिकली क्वेश्चंस आने की संभावना कम है प्रेस्टिजियस सी आई नेशनल वाटर अवार्ड्स वाह ये वाटर मैनेजमेंट के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं ये इनको दिया गया है पेट्रोकेमिकल यूनिट जो है इनका दिस केम फर्स्ट इन सिक्सटींथ नेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन कॉस्ट मैनेजमेंट आईसी ए आई ने अवार्ड दिया है भैया ओहो गेल को आई सी ए आई ने आपकी इंस्टीट्यूट ने अवार्ड दिया है कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट इन सिक्सटींथ नेशनल अवार्ड क्या बात है दो हजार अठारह में फर्स्ट आए ये लोग बहुत ही बढ़िया

जैसे वाटर की अगर लाइन है वाटर सप्लाई की अगर लाइन है वाटर सप्लाई की लाइन अगर लाइन अगर बर्स्ट वगैरह हो जाती है तो इतना कुछ रिस्क नहीं है रिस्क नहीं है एस सच लेकिन अगर गैस की लाइन बर्स्ट वर्स्ट हो गई या कहीं से फटवट गई या फिर बेसिकली कुछ रप्चर वगैरह आया तो कितना बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है ये इमेजिन करो तो इनको कितने प्रिकॉशंस लेने पड़ते होंगे और इतने सारे कंडीशन के बावजूद भी इन्होंने वर्ल्ड क्या बात है, यार? क्या बात है? तो चलो बात करते हैं शेयर प्राइस की तो मेरे को भी आइडिया नहीं है इसका शेयर प्राइस मेरा भी स्टडीड नहीं है चलो तुम्हारे साथ साथ नई स्टडी कर लेता हूँ शेयर प्राइस ओहो से भी कम है इसका शेयर प्राइस 96 सिक्स रुपीज है और मैक्सिमम अगर देखिए तो मैक्सिमम का चार्ट लगाएं तो अपने को देखने को मिलता है एक रेंज बाउंड फेज अगेन तो ज्यादा पॉपुलर नहीं है इसका शेयर मैक्सिमम आज तक गया है एक सौ अस्सी दो सौ रुपए तक और मिनिमम इन्होंने अभी यहाँ पे बनाया हुआ है कितना ये पचास रुपए तक तो बीच में है शेयर हो सकता है आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ मूव करे क्योंकि कोरोना की वजह से ऐसा तो नहीं हुआ कि लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया है कुकिंग छोड़ दिया है तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन तो चालू है इसका मतलब हो सकता है ये शेयर अपसाइड देखने को मिले बहुत ही बढ़िया तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट कंपनीज की एक चीज खासियत है वो है डिविडेंड तो यहाँ पे आप डिविडेंड ईल देख सकते हैं सेवन पॉइंट फाइव परसेंट मतलब करीब बहुत अच्छा है एफडी से तो बेहतर ही है एफडी का इंटरेस्ट तो भी टैक्सेबल होता है मैंने बताया था डिविडेंड इनकम इज नॉट टैक्सेबल बहुत ही बढ़िया चलो आगे बढ़ते हैं ये भी एक शेयर आप इन्वेस्ट कर सकते हो आज का लास्ट शेयर देखते हैं जो कि है आपका और मेरा फेवरेट आपका नहीं मेरा फेवरेट पर्सनल फाइनली अपन पहुंच गए इतने दिनों से मैं वेट कर रहा था कब ये शेयर पढ़ाओ 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 और फाइनली फाइनली वी हैव हाँ रीच अवर डेस्टिनी और वो है एच डी बैंक आ जाओ भैया अब तो नहीं छोड़ूंगा मैं अब तो साढ़े पांच तक क्लास लेंगे भैया ऐसे कैसे छोड़ दे ऐसे कैसे HDFC Bank 1994 में मतलब मेरे जन्म से दो साल पहले ये हुई है आपके जन्म से आठ साल पहले एस्टैब्लिश हुई है 1994 क्वार्टर है इसका मुंबई में बेसिकली मेजरली जैसे मैंने आपको बताया था मुंबई और दिल्ली मुंबई में ज्यादा क्वार्टर्स है ज्यादा कंपनीज के क्वार्टर्स है चेयरमैन जो है वो है मिस्टर दीपक पारेख और जहां तक को याद है दीपक इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बार चेक भी कर लेते हैं दीपक ओके okay. बिल्कुल सही कहा मैंने ये एच डी एफ सी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो जो भी लोग ऐसा सोचते हैं ना कि सी ए कहाँ पे जाते हैं करियर अपॉर्चुनिटी क्या है तो देखो इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक के चेयरमैन है चेयरमैन है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एमडी है आदित्य पुरी और सीएफओ एफ है श्रीनिवासन वैद्यनाथन क्या अरे भैया किधर पहुंच रहे इधर मैं तुमको अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूं तुम दीपक कलाल कहा पहुंच गए <laughs> He is a Chartered Accountant. <coughs> आगे बढ़ते हैं। चलो बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री की 1994 में Bank हुई registered office में है बेसिकली इट्स फर्स्ट कारपोरेट ऑफिस एंड अ फुल सर्विस ब्रांच एट सैंडोज हाउस बोर्ली अब ये मुंबई में कहा पे है एग्जैक्टली exactly मेरे को नहीं पता लेकिन यहाँ पे इनकी फर्स्ट कार्पोरेट ऑफिस बनाया गया तो मुंबई जाओ तो जरूर जरूर एच डी एफ सी बैंक का ये देखना क्योंकि अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा उसमें एंड दिस बाय द देन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ओहो हो मनमोहन सिंह जी ने यही बेसिकली इनोग्रेशन किया है फर्स्ट कॉर्पोरेट ऑफिस का क्या बात है यार मस्त शुरुआत इतनी भारी हुई है तो फिर तो जाना ही है आगे

आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अभी करती क्या है ओ माय गॉड बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं ये पढ़ाने पढ़ाते वक्त इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में कहा कितने ब्रांचेस है देखो सिर्फ ऑल ओवर इंडिया 4,715 ब्रांचेस हैं, 12,260 एटीएम्स हैं और 2000 पास 2697 सिटीज में इनका प्रेजेंस है 57 सिटीज में इनका प्रेजेंस है HDFC इज मार्केट लीडर इन ई-कॉमर्स एज़ वेल मतलब जो सेल लगी थी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं Amazon की जो सेल लगी थी इनका टाई अप भी HDFC के साथ ही था ई-कॉमर्स e में मार्केट लीडर है और बहुत सारे डिजिटल ऑफरिंग्स देते हैं जैसे पर्सनल uh, लोन एक दस सेकंड में मिल जाता है वहां पे चिल्लर करके पता नहीं क्या है ये सर्विस पे ऐप ये मैं भी यूज करता हूँ इट्स लाइक पेटीएम पे ऐप वॉच बैंकिंग थर्टी मिनट ऑटो लोन ओहो हो मतलब देखो कितना ज्यादा टाइम एफिशिएंसी है मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताओ बताता हूँ क्योंकि मैं बेसिकली अब मेरे को चार पांच साल हो गए चार पांच साल हो गए मैं एच का कस्टमर हूँ मैंने आप बिलीव नहीं करोगे मैंने आज तक एक बार भी बैंक विजिट नहीं किया है एक बार भी मैं बैंक की ब्रांच में जहां पे मेरा अकाउंट है वहां पे विजिट नहीं किया हूँ एक बार भी नहीं गया मैं एक बार भी सारा काम सारा काम बैठे बैठे ऑनलाइन हो जाता है और एफर्टलेसली सीमलेसली इतना अच्छा सीमलेस एक्सपीरियंस मिलता है ना आपको एच का कि पूछो मत तो आपको अगर लोन भी लेना हो 30 मिनट ऑटो लोन 50 मिनट टू व्हीलर लोन ई पेमेंट गेटवेस है डिजिटल वॉलेट है एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तुम सिर्फ नाम लो तुमको प्रोडक्ट मिल जाएगा सिर्फ नाम लो आजकल तो उन्होंने नया शुरू किया है क्रेडिट कार्ड बेसिकली जिनको भी देते हैं स्टूडेंट्स वगैरह को भी क्रेडिट कार्ड्स देते हैं मतलब सोचो मतलब कितनी भारी है रे कितनी भारी और इनका मिशन भी वही है देखो टू बी अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक बनना है क्या बात है और मैं मेरी फुल सपोर्ट है जरूर जरूर बनेंगे जरूर बनेंगे द ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड साउंड कस्टमर फ्रेंचाइजेस इनके कस्टमर्स कभी भी इनको छोड़ के नहीं जाते हैं. अगर आप को मैं इनके मेजर क्लाइंट्स की अगर बात करूं तो एक मेजर क्लाइंट है इनका जिसका नाम है पतंजलि पतंजलि ऐसी कंपनी है जिसने हिंदुस्तान यूनिलीवर को टक्कर दी हुई है ये किसके कस्टमर है एचडीएफसी के कस्टमर है क्यों कस्टमर सर्विस मैंने बताया ना बेस्ट इन क्लास बेस्ट इन क्लास कस्टमर सर्विस प्रॉफिटेबिलिटी भी इनकी इसीलिए इतनी अच्छी है रिस्क अपेटाइट भी बहुत रीजनेबल है इनका और फाइव कोर वैल्यूज पे काम करते हैं ऑपरेशनल एक्सेलेंस कस्टमर फोकस प्रोडक्ट लीडरशिप पीपल एंड सस्टेनेबिलिटी, ये पांच कोर वैल्यूज है इनकी जिनमें ये काम करते हैं इसके अलावा ना सिर्फ ये बैंकिंग में है इसके अलावा आपको मैं बता दूँ जानकारी के लिए इनका सिक्योरिटी मतलब शेयर मार्केट में आपको ब्रोकरेज लगता है ब्रोकर लगता है कोई तो ये ब्रोकरेज का भी काम करते हैं इनके म्यूचुअल फंड्स भी हैं एच के म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होता है रियलिटी एच लाइफ इंश्योरेंस भी है एच डी एफ सी अर्गो ये बेसिकली जनरल इंश्योरेंस कंपनी है एच पेंशन एच फाइनेंशियल सर्विसेज ये इनके ग्रुप कंपनीज है एच बहुत बड़ा है बहुत बड़ा अभी इसके रैंकिंग की बात करते हैं अभी तक का अपना सबसे बेस्ट रैंक है इसका टू हंड्रेड एंड नाइन और वर्ल्ड का हंड्रेड बे, एंड नाइनटीन रैंक इज अमेजिंग अमेजिंग एक्सेप्शनल एच वाज अवार्डेड बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच इन माइक्रो फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस में भी बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच मिला है नाबार्ड से मिला है वो भी अवॉर्ड सेंचुरियन बैंक वॉज एक्वायर्ड बाई एच डी एफ सी बैंक ये पत, पहले एक बैंक हुआ करती थी जिसका एच डी एफ सी से सुना होगा टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बैंकिंग ऑक्सिलरी था सबसे फ्रेंचाइज था जिसके साथ एच डी एफ सी का मर्जर हुआ है एच डी एफ सी बैंक हैज बीन एडजल्ड इंडिया फॉर एक्सेलेंस ये मतलब अवार्ड दिए गए इनको फॉर ट्वेल्थ कंजिव ईयर शपथ क्या बात है तो मतलब एक साल के लिए मिले तो समझ सकते हैं भैया लेकिन अगर 12 सालों से आपको बेस्ट बैंक का अवार्ड मिल रहा है 12 सालों से तो सच में आपने कुछ ना कुछ अचीव किया है लाइफ में क्या बात है क्या बात है और चेयरमैन कौन है दीपक पारेख

फेवरेट पार्ट है मेरा पूरा शेयर प्राइस व्हाट डू यू थिंक मैं आपको सिर्फ एग्जांपल मतलब सब मेरे को पता है अप ट्रेंड ही बोलेंगे क्योंकि इतनी तारीफ की है मैंने 12 साल से अगर कोई कंसेक्यूटिव 12 सालों से इंडियाज बेस्ट बैंक का खिताब जीत रही है तो इसका मतलब सच में लोगों ने भी शेयर मार्केट में एप्रिसिएशन लिया ही होगा और अप ट्रेंड में होगा इसका शेयर तो चलो चेक करते हैं लेट्स चेक ओहो मैक्सिमम लगाते हैं यहाँ पे कंटिन्यूस अप ट्रेंड स्ट्रिक्ट अप ट्रेंड देखने को मिला है अपने को स्ट्रिक्ट अप ट्रेंड क्या बात है मैक्सिमम कितने तक गया है ये मेरे ख्याल से 1300 या 1200 तक गया है मैक्सिमम क्या बात है कंटिन्यूस अप ट्रेंड फर्स्ट टाइम है अच्छा कंटिन्यूस अप में बैंक तो ये तो अभी-अभी गिरा ये जो आपको डाउनफॉल दिख रहा है यहाँ पे ये छोटा सा ये अभी-अभी कोविड अभी 19 की वजह से गिरा है नहीं तो में ही है तो इसको की ताकत देखो, मैं तुमको समझाता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ताकत 2002 में इसका शेयर प्राइस था बीस रुपए मात्र बीस ठीक है 2002 में इसका शेयर प्राइस था मात्र बीस रुपए 2000 अभी की अगर बात करें 20 की तो ये मैं, टच हुआ है बारह सौ तक हाई गया इससे ज्यादा ही गया था लेकिन अपन बारह सौ तो लगते हैं बीस रुपए से बारह सौ रुपए अगेन ये लैक्स आपके कन्वर्ट हो सकते थे करोड़ में आप जितने साल के हो उतने साल में आप करोड़पति बन सकते थे बार 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 मैं यही समझा रहा हूँ आपको क्योंकि जब बेसिकली कभी ना कभी जिंदगी में सब शादी करेंगे कभी ना कभी सब बच्चे पैदा करेंगे आपके बच्चों के लिए प्लानिंग आपको इस तरह से करनी है आपके फ्यूचर के लिए बच्चे आपने शादी नहीं भी की तो आपके फ्यूचर के लिए आपको इस तरह से प्लानिंग करनी है ताकि आप अर्ली एज में ट्वेंटी मेरे को बताओ ना बीस साल की उम्र से तुम कमा रहे हो बीस साल तुमने इन्वेस्टमेंट किया तुम चालीस के हो गए रिटायर हो जाओ भैया करोड़पति हो ऑलरेडी रिटायर हो जाओ और क्यों काम करने की जरूरत है मस्त रिटायर हो जाओ चालीस की उम्र में ही लाइफ एंजॉय करो पूरा लाइफ अपन भागते रहते हैं पैसों के पीछे चालीस की उम्र में ही, retire. Simple. ऐसे सपने देखो और सपनों को पूरा भी करो बैठ के खाओ बिल्कुल सही जवाब ऐसे अगर सपने हो तो सपने हकीकत भी बन सकते हैं लेकिन उसके लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है उस टाइम आपको ये सारे लेक्चर्स याद आएंगे जब आप 40 के हो जाओगे ना और अगर आपने ये सब अच्छे से नहीं किया होगा प्लानिंग तब मेरे लेक्चर्स देखना तभी मैं यूट्यूब पर रहूंगा जरूर तो लेक्चर देख लेना <coughs> तो चलो बात करते हैं लास्ट बैंक की लास्ट ज्यादा नहीं लास्ट है ये आज का आई आएं बैंक ये भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है 1994 1994 में में ही ही हुआ हुआ है है इसका भी 1994 में ही हुआ है, गेल का भी और कोल इंडिया का भी मतलब चार अभी तक कंपनीज देखिए जिनका 1994 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ है इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है और गिरीश चतुर्वेदी जी चेयरमैन और एमडीसीओ संदीप बख्शी और राकेश झा सी है तो चलो बात करते हैं आईसीआईसी को आईसीआईसी का फुल तो चलो सबसे पहले तो सेक्टर बैंक थी ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक थी अभी एच ने इसको ओवरटेक कर लिया है एच डी एफ सी इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीकेंड नंबर पे आती है अगर रिसेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो लेकिन एक बार अपडेटेड मॉड्यूल से चेक करना अगर अपडेटेड मॉड्यूल आता है आर आता है तुम्हारा तो उसमें अगर चेंजेस है तो फिर तुम वो चेंजेस याद रखो नहीं तो आईसीआईसीआई को ही लार्जेस्ट टिक करके आना ठीक है तो आर देखना जरूर देखो क्या चेंजेस हुए हैं उसमें मेरे ख्याल से आर आ चुका है नवम्बर के लिए तो उसमें चेंजेस जो है वो जरूर देखो आईसीआईसीआई बैंक करंटली हैज नेटवर्क ऑफ फोर हंड्रेड ब्रांचेस, ब्रांचेस 14,000 अच्छा अच्छा इनके कितने कितने थे? ICS, HDFC के थे? कम थे branch, अच्छा, कम थे के कम कम क्या? 4,000 ब्रांच ब्रांच अभी इन्होंने शायद बढ़ा दिए इसलिए वो number one पे बारेन श्रीलंका कतार ओमान दुबई अरे चाइना साउथ अफ्रीका यूनाइटेड अरब इमारेट मतलब इंटरनेशनल बहुत बड़ा प्रेजेंस है इनका इन शॉर्ट अगर बात करें तो बेल्जियम और जर्मनी में भी इनके सब्सिडरीज हैं क्या बात है ब्रांचेज और सब्सिडरीज है क्या बात है क्या बात है नाइनटीन में एस्टेब्लिश हुई होली ओन सब्सिडरी थी बेसिकली ये पहले फिर उसके बाद आई शेयर होल्डिंग इन आई बैंक वॉज रिड्यूस टू फोर्टी सिक्स परसेंट थ्रू पब्लिक ऑफरिंग और उसके बाद इक्विटी ऑफरिंग किया गया न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे इसके बेसिकली uh, एडीआर चलते हैं ए मतलब जैसे एक अलग कंसेप्ट होता है मैं आपको कभी ब्रीफ में बताऊंगा अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे भी मतलब यूएस के स्टॉक मार्केट पे भी ये लिस्टेड है इसके एडीआर चलते हैं तो इन्होंने एक्वायर किया बैंक ऑफ मदुरा को 2001 में और बाकी के थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं सेकेंडरी मार्केट सेल्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह इन्होंने एस्टेब्लिश किए थे बेसिकली वहां से पैसा जनरेट किया था 2001 और 2 में आईसीआईसीआई वाज फॉर्मड इन 1955 एट द इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री लेकिन 1994 में बेसिकली आईसीआईसीआई लिमिटेड ये जो थी बेसिकली ओरिजिनल इसको कन्वर्ट करके बैंक बनाया गया और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है पब्लिक सेक्टर नहीं है प्राइवेट सेक्टर है आगे बढ़ते हैं फिलोसॉफी टू बी लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अ मेजर ग्लोबल बैंक बनना है इनको बहुत बढ़िया आईसीआईसी विल लेवरेज अब पीपल टेक्नोलॉजी स्पीड एंड फाइनेंशियल कैपिटल तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स देने इनको बहुत अच्छे से प्रोडक्ट्स भी देते हैं बिल्कुल जितना तारीफ मैंने एच की उतनी ही तारीफ वेल डिजर्विंग कैंडिडेट है आई मस्त सर्विसेज है इनके भी हेल्दी फाइनेंशियल प्रोफाइल मेंटेन करके रखना अपने कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट करना ये सब चीजें बेसिकली अपने को देखने को मिलता है फिर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगा इसमें कि एक बार क्या हुआ Uh, अभी तुम्हारे टाइम पे तो चलो ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह है सब चीजें अवेलेबल है ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं मेरे टाइम पे जब मैं फाउंडेशन में था तो मेरे को डीडी चाहिए था डिमांड ड्राफ्ट चाहिए था और कंपल्सरीली डिमांड ड्राफ्ट से ही पेमेंट करना था तो मेरी जो बैंक थी उस टाइम वो थी पता नहीं मेरे को याद भी नहीं आ रहा कौन सी बैंक थी तो उसमें बेसिकली मिल नहीं रहा था डीडी तो हम गए थे मैं और मम्मी बेसिकली गए थे आईसीआईसीआई में जैसे ही हमने एंट्री की सबसे पहले वहां पे इतना मस्त एक्सपीरियंस देखने को मिला बेंचेस पड़े हुए थे हम जाके एक बेंच पे बैठ गए और हमको एक एक जना मिलने आया खुद एक पता नहीं कोई शायद हाउ मे आई हेल्प यू वाला एक रहेगा कोई बंदा घूमते रहते वहां पे लोग और वो एक बंदा आया हमको पूछता है आपको क्या काम है आपको क्या हेल्प चाहिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ ये ये ट्रीटमेंट मिलता है और अगर आप एस में जाते हो तो आपको लाइन में खड़े रहना मिलता है मतलब तो डिफरेंस देखो यार और इसलिए लोग एस को गालियां देते हैं और आईसीआईसी की तारीफ करते हैं सिंपल ये रीजन है कस्टमर सर्विस कस्टमर सर्विस प्राइवेट एंड पब्लिक नहीं लेकिन फिर भी अगर पब्लिक चाहे तो सुधर सकती है ऐसा नहीं लेकिन उनको सुधरना ही नहीं है उनको लंच टाइम से फुर्सत नहीं है उनको अपने लंच टाइम एक बार क्या हुआ कि uh, <clears throat> मैं आपको समझाता हूँ एक बार मतलब मैं बैंक का नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता एक बहुत बड़े कस्टमर थे हमारे पास कम ए, बैंक ऑडिट्स थे बैंक्स को भी ऑडिट्स करने की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास बैंक ऑडिट्स थे मैंने आर्टिकल शिप में बैंक ऑडिट किए एक बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बेसिकली बैंक में आया उस टाइम मेरे ख्याल से कुछ तो डेढ़ बज रहे थे बैंक का नाम मैं रिवील नहीं करूंगा गवर्नमेंट की बैंक थी डेढ़ अभी इतने बड़े बिजनेसमैन को आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए क्योंकि उसका बहुत बड़ा अकाउंट है आपके पास एटलीस्ट उसकी तो कदर करो इतना बड़ा पैसा आपके बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है उसकी तो कदर करो भैया लेकिन नहीं इन्होंने क्या बोला इसको बेसिकली कुछ काम था शायद आरटीजीएस या एनईएफटी वगैरह करना था अर्जेंट बहुत अर्जेंट था ये बंदे ने आया डायरेक्ट एंट्री की बैंक बेसिकली क्लोज थी लेकिन एंट्री थी इसको लेकिन फिर भी बाकी ऑफिसर्स वगैरह जो बैठे हुए थे इन्होंने बोला कि हमारा लंच टाइम चालू है आप आधा घंटा रुक जाइए अभी इतना बड़ा बिजनेसमैन अगर आधा घंटा वेट करना ही रहता उसको तो वो लंच टाइम पता है उसको बाहर बोर्ड लगा रहता है इतना पढ़ने को आता सबको आधे घंटे बाद ही आता ना इस बंदे को इतना गुस्सा आया कि इसने सारे पैसे हटा लिए बैंक से उसके इन्वेस्टमेंट्स थे 40 करोड़ के आसपास उस बैंक में इतने फंड्स थे सोचो इतना गुस्सा आया उसको सारे पैसे निकाल दिए और सारे के सारे इन्होंने इन्वेस्ट किए बेसिकली अपने पूरे प्राइवेट सेक्टर में डाले वो बोले गवर्नमेंट बैंक ही नको अपने को प्राइवेट सेक्टर में सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक में सारे पैसे डाल दिए ट्रीटमेंट नहीं मिलता ना कस्टमर भगवान जब तक आप ट्रीट नहीं करते हो तब तक आपकी कंपनी आपका कुछ नहीं हो सकता आई के भी जैसे यहाँ पे अपने एच डी में पढ़े थे वैसे यहाँ पे आई की भी इंश्योरेंस कंपनीज है आई सी आई ए लॉम्बार प्रोडेंशियल आई वेंचर आई सी डायरेक्ट ये सिक्योरिटीज में भी आता है और दिशा फाइनेंशियल काउंसिलिंग फाइनेंशियल एडवाइस भी देते हैं ये और ना सिर्फ इतना म्यूचुअल फंड्स है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी देते हैं मतलब कुछ कुछ मैंने uh, मतलब सी के लिए भी एक मेरा दोस्ती है जो इधर काम करता है आई जनरल इंश्योरेंस में तो वो मेरे को बता रहा था कि लोग आते हैं इंश्योरेंस वगैरह लेने के लिए और उसको अभी अभी रिसेंट जॉब ट्रांसफर हुआ है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में तो लोग पैसा लेके आते हैं फिर वो बोलते हैं कि इन्वेस्ट कहाँ करना है वगैरह वगैरह तो ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है बाकी बैंकिंग प्रोडक्ट्स वो सब तुमको पता ही है इंश्योरेंस क्रेडिट कार्ड्स बिजनेस बैंकिंग नेट बैंकिंग फलाना ठिकराना ये सब चीज़ें अपने को देखने को मिल रही है बस एक बार ये सारे एप्स वगैरह जो इन्होंने दिए हुए है ना आई मोबाइल आई वेल्थ वगैरह ये सब चीजें एक बार आप याद रख लेना ठीक है बैंक सफायरो क्रेडिट कार्ड जेट एयरवेज आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड डायमंड क्रेडिट कार्ड फलाना ठिकराना ये सब चीजें याद रखना ठीक है तो चलो बात करते हैं आगे ओहो रैंकिंग तो बहुत ही बढ़िया है इसका फोर हंड्रेड रैंकिंग है ये तो आसानी से याद हो जाएगा आईसीआईसीआई फाउंडेशन वॉज अवारेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट क्या बात है ICICI फाउंडेशन को अवार्ड भी मिल चुका है मिनिस्ट्री से गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से ICICI बैंक क्रॉस माइलस्टोन ऑफ इशूइंग टू मिलियन फास्ट टैक्स हाईएस्ट इन इंडिया मतलब फास्ट टैक्स ही कांसेप्ट आपको अगर पता होगा टोल्स जो ऑनलाइन डायरेक्टली पे होते हैं आपको रुकने की जरूरत नहीं है टोल बूथ्स पे तो इनके पास अह नंबर ऑफ कस्टमर्स थे उस क्या बात है उसके बाद Uh, अगर मैं बात करूँ ना तो सच में आई सी आई सी आई की अगर बात करूँ तो मतलब मेरे जितने भी सैलरीड एम्प्लॉय रिलेटिव जो है ना उन सब का सैलरी अकाउंट आई सी आई सी आई में ही है तो आईसीआई सच में बेसिकली बहुत अच्छे से काम कर रही है फ्री वोकेशनल ट्रेनिंग भी देती है लेस प्रेवरेज यूथ को मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उन्होंने खोला हुआ है नेट जीरो एनर्जी प्लैटिनम रेटिंग दिया हुआ है इनको और इंस्टा बिज करके ये डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जरूर चेक करना ये क्या है बैंकिंग प्लेटफॉर्म और इन्होंने लॉन्च किया स्पेशली फॉर एम क्या बात है अभी लास्टली जनर आ जाते हैं जल्दी से शेयर प्राइस पे इसका शेयर प्राइस भी एक बहुत अच्छा परफॉर्मिंग शेयर है शॉर्ट टर्म में तो बहुत रिटर्न्स देखे जाता है बहुत ज्यादा मतलब इमेजिन करो अगर पांच दिन पहले अगर आपने खरीदा रहता ना सेकेंड एक, एक मंथ की पहले बात करते छह ऑगस्ट एक महीने पहले खरीदा रहता तो आपका शेयर चल रहा था 340 पे और अभी ये पहुंच गया था 409 पे वाओ अमेजिंग रिटर्न्स क्या बात है मैक्सिमम की अगर बात करें तो अपने को थोड़ा अप ट्रेंड है और थोड़ा रेंज बाउंड है दोनों चीजें देखने को मिल रही है लेकिन अप ट्रेंड है धीरे धीरे है लेकिन अप ट्रेंड है ज्यादा नहीं है अपट्रेंड एच डी वगैरह जितना लेकिन अप ट्रेंड है गुड तो दिस कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट तो चलो आज के होमवर्क की बात कर लेते हैं जल्दी से अपन ने कौन से कौन से शेयर्स पड़े हैं एक एक करके जल्दी जल्दी आते हैं अपन ने शुरुआत की कोल इंडिया से कोल इंडिया का शेयर प्राइस चालू है तुम्हारा एक रुपए पे करीब करीब उसके बाद अपन पहुंचे डॉक्टर रेड्डी पे उसके बाद अपन पहुंचे डॉक्टर रेड्डी पे डॉक्टर रेड्डी का शेयर प्राइस चालू है चार के करीब करीब उसके बाद और क्या पढ़ा अपन ने अपन ने पढ़ा गेल, बिल्कुल सही जवाब गेल का शेयर प्राइस चालू है अपने को अच्छा मूवमेंट देखने को मिले उसके बाद गेल के बाद अपन आगे बढ़े और अपने अपन ने पढ़ा एच डी एफ सी बिल्कुल सही जवाब एच डी एफ सी बैंक इसका शेयर प्राइस करीब करीब मेरे ख्याल से ग्यारह सौ रुपए तक चालू है उसके बाद आपने आगे देखा आगे का, क्या देखा इसमें ICICI ICICI बैंक इसका शेयर प्राइस चालू है ₹400 के करीब करीब तो आज के आपके फंड्स एलोकेटेड हैं आपके पास पांच शेयर्स हैं आपको आज के फंड्स एलोकेट एलोकेटेड फंड्स मिलते हैं ₹20000 और आपको पांचों में मैक्सिमम पांच में ही इन्वेस्ट करना है अगर आप चाहते हो कम में इन्वेस्ट करो तो आप कम में भी कर सकते हो लेकिन पांच शेयर्स में ही इन्वेस्ट करना ये पांच में ही और मैक्सिमम लिमिट है आज का आपका ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ठीक है तो चलिए एंड करते हैं ले, लेक्चर को यहीं पे